हर मोहल्ले में ग्रीन बोर्ड बनाए गए जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। खबर पलेरा से है जहां प्रथम संस्था की पहल से ग्राम चोर टांगा के प्रत्येक मोहल्ले में जन सहयोग से बनाए गए ग्रीन बोर्ड। कोरोना से महामारी के दौरान जहां एक ओर शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शासन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठन जो धरातल पर कार्य करते थे वह भी व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा का संचालन करा रहे हैं। वहीं प्रथम एजुकेशन संस्था भोपाल के द्वारा पलेरा विकास खंड में चलाए जा रहे हैं एजुकेशन प्रोग्राम को धरातल पर और गति प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत लहर बुजुर्ग के ग्राम चोर टांगा में विवेकानंद युवा मंडल के सहयोग से ग्राम के प्रत्येक मोहल्ले में दीवार पर ग्रीन बोर्ड बनाने का कार्य किया गया। बोर्ड बनाने का उद्देश्य संस्था की ओर से भेजे जाने वाले कंटेंट को वॉलंटियर के द्वारा उस मोहल्ले के बच्चों को बाल चौपाल के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराया जा सके ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सके और किसी प्रकार की उन्हें परेशानी न आए, अपने ही मोहल्ले में बच्चे अपना शिक्षण कार्य संपन्न कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित प्रथम संस्था से अक्षय पाटिल ने बताया कि संस्था की ओर से जो कंटेंट भेजा जाता था वह पहले मोहल्ले स्तर पर रॉ मटेरियल प्रदान किया जाता था। कोरोना काल के उपरांत इस प्रकार का रॉ मटेरियल संस्था की ओर से प्रदान नहीं किया जा सका, जिसे देखते हुए संस्था की ओर से ऑनलाइन कंटेंट बच्चों के मोबाइल फोन पर भेजे जाते हैं जिससे बच्चे अध्ययन करते हैं। जब विद्यालय खुल नहीं रहे हैं तो इस स्थिति में मोहल्ले वाइज मोहल्ले में बोर्ड बनवाए गए हैं जिस पर बच्चे अपने सवाल हल कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय युवा वॉलंटियर करमचंद रजक ने बताया कि ग्राम में सभी मोहल्लों में युवा मंडल के सहयोग से बोर्ड बनाने का कार्य किया गया, साथ ही साथ नशा मुक्ति, स्वच्छता एवं कोरोना जागरूकता से संबंधित स्लोगन का दीवार लेखन कराया गया जिससे लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती फूलाबाई सरपंच, ग्राम पंचायत लहर बुजुर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता पर्वतलाल रजक, राजेंद्र सिंह क्षत्रिय, मिथुन संतोष प्रिंस एवं दशरथ प्रसाद धनुषधारी युवा समाज सेवी प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम में शामिल रहे। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भोपाल से हूँ मैं। जो आज कार्यक्रम किया गया ये किस उपलक्ष्य में ये बोर्ड है? मैं देख रहा था कि बनाए गए हैं कुछ। जी, तो ये जो ऐसे बोर्ड हमने मोहल्ले वाइज बनाए हैं, हमारी प्रथम एजुकेशन के माध्यम से लाइब्रेरी का हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं जो जिसमें बच्चों को हम लोग कुछ निःशुल्क में किताब बुक्स वगैरह देते हैं पढ़ने के लिए। तो प्रत्येक मोहल्ले में हमने एक ऐसा बोर्ड बनाया है ग्रीन बोर्ड जिससे कि बच्चे की जो है पढ़ने की आदत अच्छी हो और बच्चे हमारा जो कंटेंट आता है उसको पढ़ सके और बच्चों की जो शैक्षणिक है स्थिति और बच्चों की सुधार हो और डेली बच्चे अपने कक्षा के अनुरूप पढ़ना लिखना जाए। ये आपने बनवाए हैं कि इसमें किसी का सहयोग रहा है? ये तो देखिए अभी जन सहयोग के माध्यम से ही बनाया है और हमारी संस्था की तरफ से कंटेंट आएगा और बच्चे इससे हल करते जाएंगे। धन्यवाद। जो आज बोर्ड बनाए गए हैं ये किस उपलक्ष्य में बनाए गए हैं? जो आज ये बोर्ड बनाए गए विवेकानंद युवा मंडल चोटनगा एवं प्रथम संस्था की ओर से जो ग्राम में बोर्ड बनाए गए हैं जो बच्चों के लिए मोहल्ले वाई मोहल्ले जिसमें बच्चे अपना अध्ययन जारी रह सकें क्योंकि इस लॉकडाउन में मोहल्ले वाई चौपाल के माध्यम से पढ़ाई शिक्षा जारी की जा रही है और साथ ही ग्राम में विवेकानंद युवा मंडल द्वारा स्वच्छता जागरूकता एवं मध्य निषेध दिवस एवं कोरोना जागरूकता के ऊपर स्लोगन लिखे गए हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। यह कार्यक्रम नियंत्रित रूप से चलता रहता है मंडल के द्वारा एवं मंडल के सहयोग से। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।